हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आज हम कर रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज एंड फेयॉल्स प्रिंसिपल हम कर रहे थे, उसमें हमारा 10th प्रिंसिपल है। अब बाकी के 9 प्रिंसिपल्स मैं आपको करा चुकी हूँ। 10th प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। सो इस प्रिंसिपल का आपका मतलब क्या है? ऑर्डर मतलब जैसे कि हम नॉर्मली क्या समझते हैं, ऑर्डर मतलब क्या होता है? किसी को कमांड करना, ठीक है, किसी को ऑर्डर देना। जैसे हम बोलते हैं ना, अरे तू मुझे ऑर्डर मत मार, ठीक है, वो कमांड करना। लेकिन बट अगर इस प्रिंसिपल की बात करें तो ऑर्डर का मतलब यहाँ कमांड नहीं है कि किसी को ऑर्डर दे दिया किसी भी काम का, इसका मतलब वो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब है ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मेन एंड मटेरियल, यानी मेन यानी आपके एम्प्लॉयज, मटेरियल यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी सामान, टूल्स वगैरह, उन सबको प्रॉपरली एक प्लेस पर अरेंज करके रखना, ठीक है, प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके रखना। दिस मीन्स ऑर्डर यहाँ पे, ठीक है, कमांड बिल्कुल नहीं है। सो फेयॉल क्या कहता है इस प्रिंसिपल में? देयर मस्ट बी अ फिक्स प्लेस, एक फिक्स प्लेस होना चाहिए। किसका प्लेस? टू कीप एवरीथिंग, टू कीप एवरी मटीरियल, मतलब हर एक मटीरियल का, चाहे वो कोई भी रजिस्टर्स हो किसी टाइप के, हाँ किसी टाइप के, जैसे कोई टूल बॉक्स हो या कुछ भी हो, जो भी हो, उनका प्रॉपर एक प्लेस होना चाहिए, एक स्पेस होना चाहिए या प्रॉपर रूम होना चाहिए। और साथ में फेयॉल क्या कहता है कि देर मस्ट बी अ फिक्स्ड सीट और केबिन, एक फिक्स्ड सीट होनी चाहिए या कोई फिक्स्ड केबिन होना चाहिए फॉर एवरी एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय का, ठीक है, उसका एक रीज़न है ऐसा क्यों, सो दैट नो टाइम एंड एनर्जी इज वेस्टेड टू सर्च एनीथिंग और एनी पर्सन, ताकि हमारा बिल्कुल भी टाइम, बिल्कुल भी एनर्जी वेस्ट ना हो और हमें पता हो, हाँ भाई ये चीज़ है, ये बॉक्स है, ये फाइल है, ये हमें इस रूम में यहाँ मिलेगी और ये इंडिविजुअल, ये एम्प्लॉई इस रूम में इस वक्त यहाँ बैठा होगा, हमें सब कुछ पता होगा, हमारा टाइम वेस्ट बिल्कुल ना होने ढूंढने में। फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया आपको, एक एम्प्लॉई है, उसको टूल्स की जरूरत पड़ गई, ठीक है, सो अगर टूल्स के लिए फिक्स रूम है, टू कीप टूल्स, टूल्स रखने के लिए एक फिक्स रूम है, हाँ भाई ये टूल्स के लिए रूम बनाया है, यहाँ एक अलमीरा है और इस अलमीरा में सारे टूल्स आपको पाए जाएंगे, तो ही विल फाइंड ईजिली, बहुत ईजिली ढूंढ लेगा उसको, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी टाइम लगाए, फटाफट अपना ढूंढ लेगा और काम अपना पूरा कर लेगा। बट इफ देर इज अ नो फिक्स प्लेस, फिक्स प्लेस नहीं है, कभी आपका जो टूल बॉक्स है कभी इधर घूम रहा है, कभी उधर घूम रहा है, कभी इधर घूम रहा है, तो क्या होगा? वेस्ट टाइम टू फाइंड इट, हमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। कभी सोचेंगे, अरे लास्ट टाइम तुम्हारे पास था, लास्ट टाइम तुम्हारे पास था, अभी पहले ये वाली मशीन ठीक करती थी तो उसके पास रखा होगा, ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। जो काम जो है, एक्शन जो है, जो रुका पड़ा है उस टूल बॉक्स की वजह से, वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा, है ना। सो फेयॉल बस ये कहना चाहता है कि फिक्स प्लेस होना चाहिए हर एक चीज़ रखने का, और एक फिक्स्ड सीट या फिक्स कैबिन या फिक्स रूम होना चाहिए हर एक एम्प्लॉय का। सो पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं इस प्रिंसिपल के, अगर इसको ठीक से अप्लाई किया जाता है तो? नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी इन सर्च ऑफ मैन एंड मटीरियल। कोई भी हमें इंसान, कोई भी एम्प्लॉय ढूंढना है, कोई मटीरियल, कोई फाइल, कुछ भी ढूंढना है, तो हमारी बिल्कुल भी टाइम और बिल्कुल भी एनर्जी हमारी वेस्ट नहीं होगी। एंड स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टमेटिकली सारा काम होता रहेगा, ठीक है, कोई डिले नहीं होगा काम में। आगे है कंसिक्वेंसेज ऑफ वेलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं? वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, ऑफकोर्स टाइम वेस्ट होगा एंड एनर्जी वेस्ट होगी, क्योंकि किसी इंसान को ढूंढना है, मतलब कोई भी इंडिविजुअल को ढूंढना है, अगर उसका प्रॉपर कैबिन है, हमें पता है कि हमारा जो है मैनेजर जो है इस रूम में हमेशा बैठता है, वो इसका कैबिन है, हम इजिली उसके पास जाएंगे, उससे अपना जो भी काम होगा, कंप्लेन होगी, कह देंगे। बट हमारे मैनेजर का कोई फिक्स रूम ही नहीं है, कभी किसी रूम में पहुंच जाता है, कभी किसी कैबिन में पहुंच जाता है, कभी उसकी चेयर कभी कहीं पहुंच जाती है, तो क्या होगा? इससे सब एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट पीपल एट राइट टाइम पर, सपोज फोन कॉल आ गया एक, ठीक है, मैनेजर का, और इमरजेंसी में किसी को बात करनी है, कोई ऑर्डर को लेकर या किसी को भी लेकर, और फिक्स प्लेस ही नहीं है उसका, ठीक है, तो क्या होगा? हम उसको राइट टाइम पर जब उसकी ज़रूरत थी उसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe.